अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरा हाल चाल पूछें, मैं अल्लाह ताला का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अपने मम्मा बाबू की दुआओं से, अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हमारे मम्मा बाबू को सलामत रखे, उनको खुश खुश रखे और उनका साया हमारे सरों पर कायम और दायम रखे। तो वेलकम बैक टू माई इस्लामिक गाइडेंस चैनल। आपको हमारे चैनल पर वीडियो पर खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप हमारी इस वीडियो में नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप क्या कर रहे हैं, अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाली बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई से नई आने वाली वीडियो, वजीफ़ा, कोई अच्छा वाक़या या फिर कोई अच्छी नात इंशाल्लाह आप लोगों को बआसानी पहुँच जाए, ताकि आप लोगों को सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। और दूसरी बात के मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। जो आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, इसी तरह ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा, हमें छोड़िएगा मत। क्योंकि इंशाल्लाह अगर आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को सवाब भी मिलता रहेगा और अपने दोस्तों को भी हमारी वीडियो शेयर किया करें और उन्हें भी कहें कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अगर आप लाइक करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सवाब भी मिलेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी नेकी का काम है। और अगर आप शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको और भी ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो आज जिस मौजू पर मैं वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ वो भी बहुत अच्छा है। अक्सर वालदैन भी परेशान हैं उसकी वजह से, और तो कुछ डॉक्टर के बाद कोई दम वगैरह करवाते हैं, कोई कुछ है। तो आज का जो मैं वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ वो बहुत अच्छा है, वो है ज़ुबान की लुकनत, जो अटकते हैं, जिनसे सही बोला नहीं जाता, जो अड़ अड़ के बोलते हैं, तो उनके लिए है ये आज है वजीफ़ा। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, तो ये जो वजीफ़ा है ये आप लोगों ने रेगुलर करना है, तो कोई नागा नहीं करना बीच में। कोशिश कीजिए कि नागा ना ही हो तो बहुत अच्छा होगा, इंशाल्लाह जल्दी असर होगा। तो ये वजीफ़ा कीजिए तो इंशाल्लाह ज़रूर कहिए। तो आइए मैं आपको वजीफ़ा बताता हूँ। तो वजीफ़ा ये है, आप लोगों ने कहना है फजर की नमाज़ पढ़कर एक पाक कंकरी, मतलब कि साफ़ सुथरी कंकरी मुंह में रखकर आयत 121 मरतबा पढ़ी है। ये है रब्बी शराहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दा तम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। ये आप लोग, ये मैं थोड़ा यूं करता हूँ, ये आप लोग पूरा नोट कर लीजिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, कॉपी पेंसिल वगैरह ले लीजिए। तो ये मैं दिखा रहा हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। रब्बी शराह ली सदरी, ये आप रेगुलर करवाइए तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल आपके बेटे या बेटी पर इंशाल्लाह अज़्ज़वजल ज़रूर असर करेगा। तो कि जैसे कि मैं बताता हूँ हर वीडियो में कि आप लोग को अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों को की भी शेयर कीजिएगा ताकि आपको सवाब मिले तो उनका भी फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।